नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मुरादाबाद से दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। यहाँ सपा के पूर्व विधायक की बेटी के साथ सपा नेता ने ही रेप किया और उसके अश्लील फोटोज खींचकर उसे 5 साल तक ब्लैकमेल कर दरिंदगी करता रहा। फोटो डिलीट करने के लिए महिला ने उसे 3 करोड़ रुपए भी दिए, लेकिन उस सपा नेता ने फोटोज डिलीट नहीं किए। अब महिला पर तेजाब फेंकने की धमकी से परेशान होकर 30 साल की पीड़ित महिला ने पूरी बात अपने पति को बताई और मंगलवार रात को ही महिला ने मुरादाबाद के सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। महिला का पति कानपुर में बड़ा बिजनेसमैन है। वहीं आरोपी सपा नेता आसिफ अली उर्फ शिबली चौधरी युवजन सभा का पूर्व प्रदेश सचिव रह चुका है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी और उसके भाई समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुरादाबाद के एसएसपी हेमराज मीणा ने बताया कि महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज किया गया है। उसे 2019 से अब तक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। देखिए, थाना सिविल लाइन में एक महिला के द्वारा शिकायत की गई है कि एक आसिफ अली नाम के व्यक्ति के द्वारा उनके साथ में 2019 से और अब तक लगातार उनको सेक्सुअली और वैसे उनको हरास किया जा रहा है और साथ ही साथ उनसे करीब 3 करोड़ रुपया उन्होंने इस दौरान उनको डरा धमका के ठग लिए हैं। तो इसी पे तहरीर प्राप्त हुई है, उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसकी जाँच की जा रही है और जाँच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसी के आधार पे आगे किस्मत देखा। वही पीड़िता के मुताबिक न्यूड फोटोज देखकर वो डर गई थी और घबरा गई थी। उसे लगा कि ससुराल वालों ने अगर फोटोज देख लिए तो मेरा घर टूट जाएगा। आसिफ इसी मजबूरी का फायदा उठाता रहा, वो फोटोज वायरल करने की धमकी देता रहा और पीड़ित के साथ बलात्कार करता रहा और पीड़िता को डरा धमका कर उसने कई कागजों पर हस्ताक्षर भी करा लिए। पीड़िता का आरोप है कि अपने